जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समरा अमीन चौधरी. मैं बेसिकली फैमिली फिजिशियन हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ एंड कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट. एंड्रोलॉजिस्ट अभी बड़ी नई सी टर्म है, हालांकि मैं इसमें 3 साल से हूँ यहाँ पे. और एंड्रोलॉजी इज़ मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. तो 3 साल पहले मैंने शुरू किया और वो इस तरह से शुरू किया. बेसिकली तो मैं फिजिशियन एज अ फिजिशियन काम कर रही थी और जुनेद जमशेद साहब जो हैं वो मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे. और क्योंकि हमारा लिंक है पीछे से, मेरे मामू हैं जो तबलीगी जमात वाले सारे, मौलाना एहसानुल्लाह, तो उस रेफरेंस से वो बिल्कुल बहन की तरह ट्रीट करते थे. और जब बात होती थी तो वो कहते थे कि घर बचाने की कोशिश करो लोगों के, बहन कुछ ऐसा करो. आई फाउंड द अपॉर्चुनिटी, उनको भी मैंने बताया था कि मैं अब मेल इनफर्टिलिटी, बिकॉज मैंने बहुत घर टूटते हुए देखे थे इस सिलसिले में. तो जुनेद भाई ने बड़ी दुआएं की कि बहन ये ज़रूर आपने करना है. उनकी डेथ हो गई तो दैट वाज अ बिग, जिसे कहते हैं, ब्लो फॉर द फैमिली. और लेकिन फिर उनके पैशन को लेके फिर मैं आगे चली और इस फील्ड में जो आने का मकसद था वो यही था कि घर जो टूट रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेंस नहीं आई थी बिल्कुल और अभी आई भी नहीं है कि मेल को भी कोई बीमारी हो सकती है. मेल की बीमारियाँ ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर एक इनफर्टिलिटी का केस है, शादी हो गई है और 1 साल गुजारने के बाद कोई बेबी नहीं हो रहा, तो 52% कॉजेज जो हैं वो मेल्स में निकलते हैं. और यहाँ पे ऐसा होता है कि अब टॉलरेंस बहुत कम हो गई है फीमेल्स में. फीमेल्स फौरन अपनी फैमिलीज में बात बता देती हैं कि जी कोई प्रॉब्लम है मेल में. और अब मेरे पास तो ऐसा होता है कि फैमिलीज की फैमिलीज आ जाती हैं, जी हमने डिवोर्स करानी है तो आप हमें लिख दें. ऐसा नहीं होता, मेल को थोड़ा सा टाइम दें. मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर औरत को सास भाभी हर बंदा डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, मर्द को भी टाइम दें. और ही इज़ आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बॉडी, मर्द की बॉडी भी ह्यूमन बॉडी है और वो बीमार हो सकती है. और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए वो बीमारी कहीं से कहीं पहुँच जाती है. मगर यकीन जानिए 99% केसेस दे आर ट्रीटेबल. और अब मुझे इस वक्त जो मुझे तकलीफ तब होती है जब मेल्स या कपल्स मेरे पास आते हैं और मेल को मैं ट्रीट करने के काबिल होती हूँ और फीमेल की एज गुजर चुकी होती है बच्चा पैदा करने की, उस केसेस में क्या किया जाए. आई डू ट्रीट द पेशेंट, बट ये कि मुझे पास्ट के डॉक्टर्स और सबसे ये थोड़ा सा गिला है कि मेल्स की ट्रीटमेंट पर पहले फोकस क्यों नहीं किया गया. अब जो देखें, औरत जो बच्चा पैदा कर भी सकती थी वो नहीं कर सकती, मेल तो ठीक हो जाएंगे, फिर ऑप्शन ये कि वो दूसरी शादी करें, एक कॉम्प्लिकेशन ही आ जाती है. बट अल्हम्दुलिल्लाह सो फार जितने भी स्पर्म्स के डिसऑर्डर्स हैं और जितने भी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं या प्री मेच्योर इजैकुलेशन, इन पर मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ 100%. और ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये ना समझें कि मेल को जो बीमारी है वो बतानी नहीं है. ठीक है, सबको ना बताएं, किसी एक को बता के डॉक्टर के पास ज़रूर आएँ, अपनी ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं. और दूसरा ये कि मेल की बीमारी है तो अब तुझे इलाज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है. सब चीज़ों का इलाज पॉसिबल है. सबसे पहले मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे आती हूँ. बहुत से कॉजेज हैं उसमें, सबसे पहले मेल की हर बीमारी में सबसे पहला कॉज स्ट्रेस है. स्ट्रेस ऑफ द जॉब, मैरिटल स्ट्रेस, उसका चाइल्डहुड स्ट्रेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, हर चीज़ वो मैनिफेस्ट कहाँ होती है, ऊपर से मेल की इनफर्टिलिटी या किसी प्रॉब्लम का कोई सिम्टम नहीं होता, वो फिर प्री मेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उसमें आता है. अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन मोस्टली हमारे क्योरेबल हैं अनटिल एंड अनलेस के टोटल प्रोलॉन्ग किसी डिजीज़ की वजह से ब्लड वेसल टोटली डिस्ट्रॉय हो गई हों या ट्रामा हो गया हो या कोई नर्व्स डैमेज हो गई हों. अदरवाइज 100% क्योरेबल इरेक्टाइल डिसफंक्शन विद मेडिसिंस है. और मेरा मेडिसिंस के साथ मोड ऑफ ट्रीटमेंट एक्सरसाइज पे बहुत जाता है. एरोबिक ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में जाती है और वो हमारी जब ब्रेन में सेरोटोनिन पैदा होती है तो दैट इज़ द मेन सब्सटेंस जो कि एक हैप्पी हार्मोन है हमारा. और उसके बाद जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन, मैं थोड़ी शॉर्ट करने जा रही हूँ बात को, कि एक वबा बन के फैली हुई है. क्यों फैल गई है? एक तो ये कि हमारी ये सोसाइटी आजकल हाइपर सेक्शुअल सोसाइटी, हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, उनके हाथ में मोबाइल्स हैं, उनके हाथ में पॉर्न स्टफ है, उनके हाथ में एक्सेस टू द ऑर्गन है और उनको ये नहीं पता कि मैस्ट्रुबेशन इज़ इक्वलेंट टू ज़िना. ये इस्लाम में मना किया गया है. और बेसिक नॉलेज नहीं होगा बच्चों को जब एक्सपोजर उनका
पॉर्न स्टफ में इतना ज्यादा होगा, हमारे मुआशरे में बच्चियां अब उस तरह से पर्दा नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए, तो वो मेल बच्चा उसके अंदर सेक्स डिजायर्स बढ़ती हैं, सेक्स डिजायर जब बढ़ेगी तो वो मैस्टर्बेशन करेगा, मैस्टर्बेशन की जो फिर नशा है दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर सकता कहीं पे भी, वो अपनी पढ़ाई पे भी नहीं कर सकता। इसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे एटलीस्ट 3 to 6 months चाहिए होते हैं, बट इट इज़ ट्रीटेबल। अगेन ये कि जी मुझे फिर वो ड्रॉप्स हैं, जरियान है, ये सब, इन सब का एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है एंड दैट ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लोग एक ही दवाई देके कि जी ये इससे टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी, इससे इरेक्शन भी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बड़ा एक कैलकुलेटेड हिसाब से मुझे चलना पड़ता है पेशेंट टू पेशेंट, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ गॉड और सबकी दुआओं के साथ मैं इस फील्ड में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज आई एम एबल टू, मेरे पास ऐसे कपल्स आए थे 6-6 साल से कॉन्जुमेशन नहीं हुई हुई थी, यानी मैरिज चल नहीं पा रही थी आगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो शादियाँ भी चल रही हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं, और मैं चाहूँगी और लोग इस फील्ड में आए। इस फील्ड में बहुत लोगों की ज़रूरत है, लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मेल को ट्रीट किया जा सकता है, और मैं अपने बाकी कुलीग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी बाकी हिस्ट्री लेते वक्त, बेशक आप सर्जन हैं या फिजिशियन हैं, सेक्सुअल हिस्ट्री पे ज़रूर जाएं, और अगर इलाज कर सकते हैं प्रॉपर तो इलाज भी करें मर्द का, बिकॉज अ मैन इज़ डेड इफ़ ही इज़ डेड ऑन बेड। और यहीं से आपका एक, अगर एक स्ट्रेस वाला आदमी आपके साथ रह रहा है तो वो आपको अच्छा घर नहीं दे सकता, और स्ट्रेस ख़त्म करना वो हमारी जिम्मेदारी है एज डॉक्टर्स, एज फिजिशियंस, एज एंड्रोलॉजिस्ट, एज गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल। तो थैंक यू, आपको फिर से मैं इंशाल्लाह मिलूंगी। जी ये अलहदा कैटेगरी तो उन पेशेंट की वो कैटेगरी भी बनाई, क्योंकि आप इस फील्ड में अभी आई हैं और आपने अभी एक कहा है कि मैं अपने दूसरे डॉक्टर दादा को भी दावा देती हूँ तो इस फील्ड को मालाना तरीके से, इसकी कोई बकायदा डिग्री है, बकायदा कोई नॉलेज है, या आपने अपने एक्सपीरियंस से ही इसकी वो कैटेगरीज बनाई? नहीं जी, पहले तो मुझे वैसे ही इंटरेस्ट था कि मेल्स, बीइंग अ फिजिशियन मैं स्पर्म डिसऑर्डर्स को बहुत स्टडी किया हुआ था, लेकिन मुझे जो जैसे ही ऑप्शन मिली, प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान, ही इज़ माय बॉस, ही इज़ द मेंटर, वो इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं हम लोगों को 6 months अपने यूनिट में रख के फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। उनके साथ हमने पढ़ा भी और उनके साथ हम लोगों ने रात को 9-9 बजे तक पढ़ा है बैठ के, और हमने फिर सर ने हमें जितनी ओपन हैंड दी है पेशेंट्स को देखने का, पेशेंट्स को ट्रीट करने का, मेरे ख्याल है सारा क्रेडिट सर खलीकुर रहमान उनकी टीम को जाता है, और उन्होंने हमें सिखाया। और उसके बाद से, क्योंकि मैंने जैसे ही साथ सर की सीख रही थी, मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, तो उसमें जो जो पेशेंट, हर पेशेंट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है उसमें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जी ये कॉजेज फर्क हैं, हर पेशेंट में कॉज फर्क आता है, एज में कॉज फर्क आता है। अगर यंग पेशेंट आएगा उसमें ज्यादा से ज्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कॉज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होगी, उसको ये डर होगा कि जी मेरी शादी होने वाली, मैं कर नहीं पाऊंगा, उसकी काउंसलिंग से ही वो बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर लेटर एज में मेरे पास आ रहा है उसमें हॉर्मोन्स का कॉज हो सकता है, लाइक आफ्टर 30 या आफ्टर 40 मेल हार्मोन डिक्लाइन करता है टेस्टोस्टेरोन, उसको हम एंड्रोपॉज कहते हैं, और जैसे मीनोपॉज होता है फीमेल्स में वैसे एंड्रोपॉज भी है मेल्स के अंदर, और ये किसी को नहीं पता, मोस्टली पता ही नहीं है कि जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉल डाउन करते हैं ईयरली बेसिस पे आफ्टर द ईयर ऑफ 40 तो आपकी इरेक्शन उसी तरह कम होना शुरू हो जाती है। उसमें फिर थोड़ी सी काउंसलिंग, थोड़े से कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो मेडिसिन हैं, प्लस थोड़ा सा हम हार्मोन को बिल्डअप करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेहतर हो जाता है। जहाँ तक प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का ताल्लुक है, उसकी 4 टाइप्स हैं। उसमें मेरे पास तो जी जो सबसे जब वर्स्ट टाइप है दैट इज़ द टाइमिंग, व्हेन द टाइमिंग इज़ लेस देन 1 मिनट, उसमें पेशेंट जो है बहुत घबरा चुका होता है, उसमें ड्रॉप्स आने की भी टेंडेंसी होती है जिसको हम स्पर्मेटोरिया कहते हैं। उस कंडीशन से पहले पेशेंट को यही उम्मीद होती है जी मैं हकीम से ठीक हो जाऊंगा, मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली हैं। अब अगर पेशेंट के पास ऑप्शन ही नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन की, उसको पता ही नहीं है वो कैसे दवाई लेगा, और फिर लेस देन 1 मिनट वाले मोस्टली जो मर्द हजरात हैं वो शदीद स्ट्रेस में होते हैं, उनका घर जो है वो ऑलमोस्ट आजकल क्योंकि औरतों के पास नॉलेज बहुत आ गया बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, पहले ये नॉलेज नहीं होता था, फीमेल्स को तो पता ही नहीं होता था कि मेल्स की बीमारियां होती क्या हैं, और वो पढ़ना कहाँ से, पढ़ना तो नहीं होता था, कोई एक्सपोजर था ही नहीं।
अब जी नेट पे सब कुछ अवेलेबल है और वो फौरन अपने मियाँ को जब ताने देने शुरू करती हैं, जब ताना मिलेगा मियाँ को वो परफॉर्म करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकता। और फिर उसमें काउंसलिंग मैं फिर कपल्स की करती हूँ, फीमेल को भी बहुत समझाती हूँ कि अपने मेल पार्टनर को टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें ट्रीटमेंट के साथ, वो भी ठीक हो जाएंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे अल्लाह पाक ने पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है ना, हर मुजक्कर में मोनस के लिए अट्रैक्शन है और ऐसा है। अच्छा, एक तो मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए कि जिस तरह हर जानवर या कि वो देखते हैं हमको उनकी इतना मखसूस टाइमिंग होती है, इसके लिए कोई मर्द की कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन आई है कि नहीं, जिसकी कोई टाइमिंग होती है 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट वाला होगा तो कामयाब होगा, नहीं, नहीं, फेल होगा, इस तरह का थोड़ा सा। ये देखें, एक तो कपल की वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, मैंने ऐसे भी कपल्स देखे हैं, नेचुरल टाइम जो है वो एटलीस्ट 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, मतलब और मिनिमम भी 5 मिनट्स आप ये कह लें कि इतना है तो पेशेंट, हाँ 5 मिनट से कम है तो वो फिर हमारी कैटेगरी शुरू हो जाती है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, जो लेस देन 1 मिनट वाली टाइप है दैट इज द परमानेंट टाइप, एंड दैट इज कि उसके बाद आपकी सीवियर प्रॉब्लम है, उसमें स्पर्मेटोरिया जब शुरू होता है तो आपकी सारा कुछ एनर्जी लेवल्स आपके जब सीमेन आपका एजैकुलेशन में जाया हो जाता है, स्पर्म्स के तौर उसमें ड्रॉप्स के तौर पे जाया हो रहा है, तो आपके कैल्शियम भी लॉस हो रहा है बॉडी का, फॉस्फेट भी लॉस हो रहा है, लेसिथिन भी लॉस हो रहा है, और पेशेंट की कंप्लेन ये होती है जी मुझसे काम नहीं होता, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेल ऑलमोस्ट टोटली जो है उसको रेक्ड अप होता है जब लेस देन 1 मिनट वाला मेरे पास पेशेंट आता है। आई ट्रीट देम अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे सब पेशेंट्स, बिकॉज ये फील ऐसी है कि मैं नाम नहीं ले सकती किसी का भी, बट ऑल ऑफ देम आर सेटिस्फाइड, कहीं आपको कोई मिले तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज ट्रीटमेंट मोड को कि हमने किधर से कॉज को कैसे ट्रीट करना है, जब तक आप कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे, अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, सिंपल सी बात बता रही हूँ आपको, और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन कभी भी ठीक नहीं होगा। आप बेशक कितनी भी दवाइयाँ दे दें, उसका लिवर ख़राब है, आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाइयाँ दे रही हैं, जब तक आप लिवर को ठीक नहीं करेंगे आपका ठीक नहीं होगा। वो बहुत बड़ा आजकल जो कॉज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, स्मोकिंग है, बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, आप देखें अल्कोहल तो बहुत बहुत करता है ना अल्कोहल के, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं हर दूसरा पेशेंट स्मोकर है, चेन स्मोकर, अल्कोहल वाले कम आते हैं, लेकिन ये कि अल्कोहल इससे पहले कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन करे वो लिवर को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा सोशल इशू है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर मत समझता है कि मेरी प्रॉब्लम है जी, तो इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन की डिग्री होनी चाहिए जैसे बहुत बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए जी जी। अब हमारे पाकिस्तान में भी FCPS अब शुरू हुआ है, आई विश कि उस वक्त शुरू होता जब हम लोगों के पास ऑप्शंस थे कि जी हमने FCPS जी जब आम हो रही थी, हम लोगों ने मेडिसिन में FCPS कर लिया, जनरल मेडिसिन जी, मैं तो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, देन जिन्ना हॉस्पिटल, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल, ये जी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर खलीकुर रहमान है और साथ डॉक्टर राशिद लतीफ ने हमारी बहुत हेल्प की है, और सर ने हमें थ्रू एंड थ्रू डॉक्टर राशिद लतीफ ने सारा हमारे सेक्शुअल डिसऑर्डर्स का बहुत गाइड किया हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई वॉन्ट मोर पीपल टू ज्वाइन द टीम ऑफ एंड्रोलॉजिस्ट, बिकॉज मर्दों की पॉपुलेशन इस तरह से बहुत ट्रबल में है, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम उनके स्पर्म डिसऑर्डर्स को ठीक नहीं करेंगे तो फिर ओलिगोस्पर्मिया, क्या हमारे पास एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ जाएंगे।